हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को फॉर्म्स जो होता है HTML में, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 में हम लोगों ने टेबल्स क्या है वो देखा था, ठीक है, और वो भी पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था हम लोगों ने। यू कैन से आपको यहाँ पे मैं नोटपैड में पूरा यहाँ पे बताया था, ठीक है, पेंट में, सॉरी, क्या होता है, कैसे एक्सप्लेनेशन करवाया था आपको, ठीक है। देन अभी यहाँ पे ये फॉर्म्स है, और टेबल के पहले वाले जो पार्ट में हम लोगों ने बेसिक HTML टैग्स देखे, वेब सर्वर कंपोनेंट्स, सर्वर रिक्वेस्ट क्या होता है, सर्वर रिस्पांस क्या होता है, सर्वर से रिक्वेस्ट कैसे जाता है, फिर रिक्वेस्ट सर्वर से, सॉरी, क्लाइंट से सर्वर के पास, सर्वर से क्लाइंट के पास रिस्पांस कैसे रिटर्न बैक आता है, पर्टिकुलर वेबसाइट अगर कंसिडर किया था हम लोगों ने, balbharati.in वाला, ठीक है ना। सो बहुत सारा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पहले दो पार्ट में देखे, फिर हाइपरलिंक्स देखा, इमेज टैग देखा, ठीक है। आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखा था, जाके आई बटन में वीडियो है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसके एंड स्क्रीन्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट क्रिएट करके दे दूंगा आप लोग को ये चैप्टर का भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये चैप्टर को अच्छे से आप लोग देखिए, अगर आप लोग कंप्यूटर लवर हो, प्रोग्रामिंग लवर हो, और यू कैन से इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल, ठीक है, तो कोडिंग वगैरह में जिसको इंटरेस्ट है, यू कैन कम्प्लीटली वॉच दिस वीडियोज ऑफ दिस सब्जेक्ट, ओके, एंड दिस चैप्टर स्पेशली, बिकॉज इट इज़ वेरी मच वेल वर्स विथ योर वेब डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है, स्टेटिक वेब पेजेस वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह आगे देखेंगे हम लोग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्म्स इन HTML क्या होता है वो स्टार्ट करेंगे। थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट इट इज़ ऑफ HSC IT साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए कॉमन 11th क्लास का, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले वीडियो में आपको बोल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। नाउ फॉर्म कंट्रोल्स क्या होता है, बेसिकली फॉर्म भी कैसा होता है, कंटेनर टैग ही है, ठीक है। कंटेनर टैग मतलब, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब अभी क्या है, ये फॉर्म है आपका ऐसे, फिर जो भी आप कोड, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो, फिर ऐसे इसको ये करते हो, मतलब क्लोज करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटेनर टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। एम्प्टी टैग भी देखा था हम लोगों ने, जो BR वगैरह होता था, जो ऐसे ही क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, कंटेनर, या HR हो गया था, हॉरिजॉन्टल रूल वाले, ये सब। तो अभी इसमें कैसा है, फॉर्म के लिए जैसे मैंने बताया था, फॉर्म कैसा होता है, देखो यहाँ पे ऐसे एक फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे ये नेम है, और जैसा फीडबैक फॉर्म्स रहता है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फीडबैक फॉर्म वगैरह आपका रहता है वेब पेजेस पे, वेबसाइट्स पे, ठीक है ना, वो एक्चुअली वही होता है, ठीक है, फॉर्म्स से ही बनता है वो। तो नेम हो गया, फिर एड्रेस हो गया, ठीक है ना, फिर एज हो गया आपका, ऐसा करके नहीं क्या रहता है, फिर रोल नंबर, जो भी है, आप स्टूडेंट है इसलिए आपके हिसाब से ले रहा हूँ, फिर एक क्या होता है, एक सबमिट बटन होता है, ठीक है ना, ताकि आप सबमिट करो और वो डिटेल्स प्रोसेस हो जाए। तो ये क्या, एक वेब पेज में आपका बनता है, तो यही एक किस में आएगा, ये टोटल फॉर्म टैग में आता है। तो जैसा अभी नेम लेना है तो आप लेबल लोगे, फिर अगर इसको जो एंट्री करना है तो इसके लिए क्या लोगे, इनपुट टैग लोगे, जिसका एट्रीब्यूट का वैल्यू, आपका टाइप आप एट्रीब्यूट लोगे, उसका वैल्यू होगा टेक्स्ट करके, ताकि टेक्स्ट आप डाल सको। फिर एक्चुअली कैसा होता है, इनपुट टैग से आप क्या करते हो, यू कैन से आप जो भी चेकबॉक्सेस है, जो भी फॉर्म का जो एंट्री वाला पार्ट होता है ना, जो अपन एंटर करते हैं, जो भी अपने को एंट्री लगता है, जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करना है टेक्स्ट पे, या कुछ बटन सेलेक्ट करना है, रेडियो बटन्स वगैरह, या चेकबॉक्सेस वगैरह सेलेक्ट करना है, या फिर एक कॉम्बो बॉक्स जैसा होता है, ठीक है ना, ऐसे टाइप का कॉम्बो, ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स होता है, या फिर जो भी, मतलब बेसिक, और या फिर ये सबमिट बटन हो गया, ठीक है, ये सब किस में आता है, इनपुट टाइप में आता है, इनपुट टैग में आता है, ठीक है। और इसका जो है एट्रीब्यूट टाइप है, तो टाइप में आप जो भी लिखते हो, जैसा टेक्स्ट लिखते हो तो आपका क्या आता है, टेक्स्ट आप एंटर करने के लिए आता है, मतलब जो नाम वाम एंटर करने के लिए रहता है ना वो। फिर अगर टाइप इज इक्वल टू, यू कैन से टेल नंबर दिया आपने, तो आपका टेलीफोन नंबर के हिसाब से आएगा, अगर ईमेल दिया आपने तो ईमेल आईडी के हिसाब से जाएगा वो, ठीक है, और ऐसे सब बेसिकली है। और फिर टाइप इज इक्वल टू रेडियो दिया, तो मतलब ऑप्शन बटन जैसा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारा इसका टाइप्स है, मतलब फिर बटन, बटन के लिए बटन होता है, ठीक है, इनपुट टाइप बटन दो, या फिर बटन लो आप अलग से, ठीक है। तो ऐसा भी आपका, मतलब यू कैन से, यू कैन यूज़ दिस ऑल पैरामीटर्स टू मेक और टू अपीयर द फॉर्म एलिमेंट्स इन द फॉर्म टैग एंड द फॉर्म, यू कैन से, ठीक है। तो फॉर्म क्या है, यू कैन से कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसा मैंने बताया क्या, कंट्रोल्स, जैसे कि मैंने बताया टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट बटन एंड मेनी मोर, वही मैंने बताया। फिर इसमें क्या क्या होता है, फॉर्म टैग में नेम होता है, और एक्शन होता है, और मेथड होता है। नेम मतलब फॉर्म का नाम,
जिससे कि आपको, जैसा आप इसमें डीप डीप में करते जाएंगे, और अगर मेरा ये वीडियोस आप देखते रहेंगे आप लोग आगे के, मैंने ट्वेल्थ के इसमें बताया है फॉर्म्स का जो एग्जांपल्स है, नहीं तो हम लोग आगे इसमें करते जाएंगे, आप लोग चैनल में जुड़े रहो तब तक, ठीक है। तब तक मतलब इफ़ यू ज्वाइन विद दिस चैनल यू कैन डेफिनेटली अवेल दैट दोज वीडियोज ऑफ हाउ टू डायनेमिकली प्रोसेस वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड रन डायनेमिक वेबसाइट्स एंड डील विद द फॉर्म्स एंड ऑल, और उसका सर्वर रिक्वेस्ट कैसे आता है, रिस्पॉन्स कैसे आता है, डेटाबेस में कैसे फीड होता है, या वो जो फॉर्म का कंट्रोल से मेल जो जाना किसी और को, ठीक है, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। वैसे आप ये सब वो सब एडवांस लेवल पे होगा, जैसे ये चैप्टर वगैरह हम लोग क्लोज हो जाएगा हम लोग वो करेंगे फिर आगे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्शन है, एक्शन ये नाम हुआ नाम, क्योंकि कोई भी जैसा कि हर एक चीज़ को आईडी देना पड़ता है, ओके। आपने जैसा इस दिन उस दिन दिया था आपने, फॉर एग्जांपल टेबल लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना, या फिर आप डिव लेते हो, डिव टैग लेते हो, तो उसमें भी आईडी देना पड़ता है, या फिर मतलब बहुत सारा, मतलब कुछ भी आप लेते हो ना तो आईडी लेना पड़ता है। आईडी से वो क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है वो, ठीक है। तो फॉर्म को क्या है, फॉर्म यू कैन से आईडी या से करते हो, और यहाँ से मतलब बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन दी टेक्नोलॉजी दैट यू यूज़, तो उस हिसाब से रहता है। आईडी मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये नेम होता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, नेम होता है। तो एक पर्टिकुलर नेम से क्या करते हो, आप पर्टिकुलर फॉर्म लेते हो, और उसको क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि अगर आपको कल को अगर दूसरे इसमें जब भी डायनेमिकली काम करना रहेगा ना, कुछ यूज़र से एक्सेस करवाना रहेगा, मतलब वो फेच करवाना रहेगा ऑनलाइन डेटा उसमें, तो यू कैन से कॉल करवाना रहेगा, तो ये नाम से कॉल करते हैं हम लोग फॉर्म करके, वो आपको बताऊंगा मैं एडवांस लेवल पे जब जाएंगे हम लोग। तो एक्शन, एक्शन मतलब क्या होना चाहिए कि सबमिट बटन जब ये क्लिक होता है तभी उसमें, मतलब आपने अगर कुछ एक पेज दिया होगा, ठीक है ना, कोई एक पेज दिया होगा, क्योंकि देखो फॉर्म क्या है, मैंने अभी बोला ये फॉर्म सबमिट करने पे क्या होना चाहिए, एक दूसरा पेज खुलना चाहिए, या फिर ये प्रोसेस होके किसी डेटाबेस में जाके डेटा, ये जो भी हम लोगों ने डेटा डाला है वो जाना चाहिए, या फिर ईमेल जाना चाहिए किसी को, ठीक है ना, ईमेल जाना चाहिए, ईमेल, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी दिया रहेगा तो आपने उस ईमेल को ईमेल जाना चाहिए। तो वैसा जो भी है तो वो सब क्या है, वो कैन से दूसरे फॉर्म का जो पेज रहेगा, दूसरे पेज का जो भी लिंक रहेगा वो हम लोग ये एक्शन टैब में देते हैं, ठीक है। मतलब जब भी यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करे ना, देखो सबमिट बटन क्लिक करे तो एट्रीब्यूट जैसे ही कमिट होगा तो वो क्या होगा, वो दूसरे पेज में जाएगा, मतलब करंट पेज जो उसका रहेगा हम लोगों ने सेट किया रहेगा, मतलब आउटपुट डिस्प्ले कराना रहेगा कि हाँ एंटर्ड नेम इज सो एंड सो, मतलब ये फीडबैक फॉर्म है तो आपको ऐसा आएगा, अगर सपोज यू कैन से द यूज़र एंटर्ड इज, ठीक है ना, द यूज़र केम वॉज, या जो भी है, या योर नेम इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो योर नेम जो है, और इधर वो डेटाबेस से फेच कराएंगे, अगर सपोज मतलब डेटाबेस नहीं, मतलब उधर से वो पेज से फेच कराएंगे, जैसे आपका नाम है सुधीर करके, ठीक है, आपका नाम ये है, तो योर नेम इज सुधीर एंड योर आईडी इज, योर रोल नंबर इज सो एंड सो, रोल आईडी इज सो एंड सो, तो ऐसा एक डिस्प्ले कराने के लिए मैसेज, ठीक है ना, तो उसके लिए काम में आ सकता है। देन मेथड, ठीक है, मेथड क्या है आपका, मतलब गेट और पोस्ट होता है, ठीक है, गेट और पोस्ट मतलब ये जो भी आप डेटा सबमिट करते हो ना, तो ये गेट और पोस्ट मेथड से ही सबमिट होता है। जैसे अगर इसका एक कॉमन डिफरेंस आपको बता दूँ गेट और पोस्ट का, मतलब ये मेथड होता है वैसे, और ये दोनों का यहाँ पे देखो गेट मेथड पोस्ट मेथड दिया है, तो इसमें क्या होता है, देखो अभी जैसा अगर ये एड्रेस बार है आपको अगर ये दिख रहा है, अगर सपोज, ठीक है ना, ये अगर एड्रेस बार है ना, तो इधर जो भी आप एंटर करते हो ना, वो जैसा अभी www.kuchtoek.com आएगा, और यू कैन से इधर नेम इज इक्वल टू, जो भी आपने फीडबैक फॉर्म में नेम किया रहेगा ना वो इधर दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, वो दिखने वाला है ब्राउज़र वाले को, तो दिखना नहीं चाहिए ना, ठीक है, वो सिक्योरिटी का अगर पर्पस हुआ तो वो गेट मेथड से होता है एक्चुअली, तो वो सिक्योर्ड नहीं होता है ज़्यादा करके, मतलब इसलिए हम लोग क्या करते हैं फिर पोस्ट मेथड लेते, ताकि वो विजिबल ना रहे, समझ रहे ना आप लोग। डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है गेट होता है, जो डेटा हम लोग सबमिट करते हैं ना गेट, वो विजिबल होता है एड्रेस बार में, जो ये बार बोला ना मैंने अभी, ये बार में दिख जाता है, तो गेट मेथड बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए यू कैन से वो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब वो इधर दिख जाता है। पर अगर पोस्ट लिया होता तो जो भी इधर एंटर किया सिर्फ www.com रहेगा, बट वो डेटा इधर नहीं दिखेगा आपको, मतलब वो सिक्योर्ड होता है यू कैन से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पोस्ट मेथड सेंडिंग डेटा डू नॉट डिस्प्ले, ये एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कभी भी आपको वाइवा में पूछ लिया तो पूछ सकते हैं, या फिर फिलअप में, मैचअप में वगैरह किसी में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के बीच में डिफरेंस करने में। और अगर आप फ्यूचर में अगर इंटरव्यूज़ को जाते हो, अगर कोई आईटी इंटरव्यू को जाते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गेट और पोस्ट मेथड पे, ठीक है। फिर वही है, देन देखो लिमिटेशन है गेट मेथड में, जैसे मैंने बताया, अभी देखो इनपुट टाइप यूज़ करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स वगैरह। अभी देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए, रेडियो, रेडियो बटन दिखने के लिए, चेक बॉक्स,
चेकबॉक्सेस, ऐसा चेकबॉक्सेस रहता है ना, उसमें क्या है मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, पर ऑप्शन बटन में क्या रहता है सिर्फ एक ही इसमें कर सकते हो, अगर तीन रहेगा तो एक ही इसमें सेलेक्ट कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। यू कैन ऑप्शन सेलेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल सॉरी ओनली वन, ठीक है। और इधर मोर देन वन, ये डिफरेंस भी ध्यान में रखो, रेडियो बटन और चेकबॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वाइवा में वगैरह पूछ सकते हैं। फिर सबमिट बटन, बटन जो भी सबमिट कराना रहेगा फॉर्म डेटा आपको सर्वर में जाएगा वो सबमिट से, जैसे कि मैंने बताया। फिर पासवर्ड नहीं दिखना रहेगा, मतलब ऐसा डॉट डॉट जैसा दिखना रहेगा, इसको इको कैर पासवर्ड का बोलते हैं, तो ऐसा अगर दिखाना रहेगा या एस्ट्रिक दिखाना रहेगा, मतलब ये बाई डिफॉल्ट जैसा लेगा, तो पासवर्ड जैसे ही लिखोगे तो ऐसे दिखेगा वो, आप जैसे एंटर करने आपका यूज़र जैसे एंटर करेगा तो ऐसे दिखेगा, तो पासवर्ड उसको दिखेगा नहीं। फिर रीसेट, रीसेट करने के लिए जो भी कंटेंट क्लियर कर देता है। फिर बटन आपको जो भी है, पुश बटन जैसा, सबमिट बटन जैसा ही होता है वैसा ही होता है, सबमिट बटन भी है और ये बटन भी है, दोनों भी यू कैन से सेम इट इज़, थोड़ा मतलब आपको फंक्शनलिटी जैसा आप प्रोवाइड करना चाहोगे वैसा वो करेगा। एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है, ये टाइप के अंदर सब आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो टाइप एट्रीब्यूट नेम, जैसा मैंने बताया फॉर्म के लिए जैसा नाम देते हैं वैसे कोई भी एक नेम कंट्रोल है, जैसा ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें नेम एंटर करना हुआ, तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, यू कैन से इनपुट फील्ड देंगे, उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे। फिर वो कितना लेंथ लेना चाहिए, नाम कितना बड़ा होना चाहिए, उससे आगे नहीं लेना चाहिए, वो होता है मैक्स लेंथ, देखा वही है। पासवर्ड टाइप या टेक्स्ट जो भी है, इट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी एंटर्ड इन द पासवर्ड बॉक्स, ठीक है ना। नाम में भी करते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर कोई पैन नंबर रहेगा, आपको तो पता है जीएसटी नंबर, आपको तो पता है कितने नंबर का होता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से। तो मोबाइल नंबर, ठीक है ना, मोबाइल नंबर के लिए आ जाता है वैसे, यू कैन से उसमें भी आता है एक्चुअली टेल नंबर के इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, फिर बाद में साइज़ हो गया, ठीक है, साइज़ एट्रीब्यूट साइज बताता है उसका। फिर चेक्ड, चेक्ड है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ये देखो विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बुक। फिर चेक जो होता है, चेक मतलब पहले से ऐसे चेक्ड रहेगा, मतलब ये चेक्ड रहेगा, जैसे पेज रिफ्रेश हो जाएगा तभी वह चेक्ड ही रहेगा। फिर वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो, सबमिट, रीसेट, क्या लेना है आपको वैल्यू में, ठीक है, वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। टाइप में तो आपने लिया, ठीक है, टाइप में आपने लिया, टाइप इज इक्वल टू रेडियो वगैरह जैसा जो लेना है आपको, ठीक है ना। तो वैल्यू में आपको जो वैल्यू देना है, मतलब जो अपियर होना चाहिए उधर, ठीक है ना, जो उधर दिखना चाहिए। अभी चेकबॉक्स है, उसके सामने कुछ तो दिखना चाहिए चेकबॉक्स करके ऐसे, या फिर आपका रेडियो बटन है तो स्टैंडर्ड अगर है, स्टैंडर्ड एंटर करने के लिए, तो ये स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है, वैल्यू में जो लिखोगे ना ये, तो उसके बाजू में ये ओपन होगा, और इसके नाम से जो पहचाना जाएगा, जो वैल्यू रिट्राइव करने के लिए डायनेमिकली जो भी काम में आता है वो नेम से आता है वो, ठीक है। वैल्यू मतलब जो इधर कैप्शन दिखेगा उसका, चेकबॉक्स के बाजू में जो कैप्शन दिखेगा वो उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही है, टेक्स्ट एरिया एक होता है टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में मल्टीपल लाइन्स में आप लिख सकते हो, मतलब ऐसा बड़ा सा होता है ना, जैसा फीडबैक एंटर करने के लिए होता है कभी कभी, भाई आपका दो चार लाइन्स में फीडबैक दो इधर, तो ऐसा मल्टीपल लाइन्स का जो रहता है वो टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, पर ये मल्टीपल लाइन्स का रहता है, रोज एंड कॉलम्स में रहता है ये, ठीक है ना। आप इसमें रोज और कॉलम्स देखे आप इसमें बता सकते हो कि कितने रोज का बॉक्स आप एंटर करने को लगाओगे, कितने कॉलम्स का ऐसा, ठीक है। कॉल्स होता है देखो, विड्थ ऑफ ए टेक्स्ट एरिया बताता है, और नंबर ऑफ लाइंस कितना एंटर करना है वो बताता है, रोज, नेम तो आपको बताया था, नेम मतलब नाम से यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, जैसा आईडी, नेम, ये सब। मैक्स लेंथ मतलब कितना कैरेक्टर आप एंटर करना चाहोगे उसमें। फिर प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है, कि जो ऐसा आपको डिसेबल जैसा दिखेगा, मतलब कोई भी ऐसा नेम रहेगा, ठीक है ना, नेम इज इक्वल टू ऐसा रहेगा कि एंटर योर नेम करके रहता है। देखो आपने देखा है बहुत सारा वेबसाइट के इसमें एंटर योर नेम करके ऐसा क्या होता है, धुंधले में रहता है, मतलब डिसेबल जैसा दिखता है वो, लाइटली दिखता है वो, मतलब आप जैसे एंटर करते हो ना ये गायब हो जाता है, आपने देखा होगा, फिर इधर आपका कर्सर आता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि वो आपको दिखाता है, बतवाता है यूज़र को कि भाई इधर आपको एंटर करना है करके, क्या आपका नाम करके, यहाँ पे जैसे कि एड्रेस दिया है वो। रिक्वायर्ड मतलब आपको क्या है, कंपलसरी वो देना ही है, जैसा नेम जो होता है, कोई भी अगर फॉर्म भर रहे हो अगर उसका नाम नहीं है, नेमलेस होता है क्या कोई चीज़, नहीं, तो इसके लिए वो रिक्वायर्ड में जाता है ज़्यादा करके, नेम का जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू टैल, जो भी लो आप, ऐसा कुछ ये नहीं कि ये लेना है, आपके ऊपर है। फिर रोज 5 रोज का, कॉलम्स 30 कॉलम्स का, ठीक है, मतलब वो ऐसा ऐसा है, मतलब आपका वो कितने साइज़ बड़ा होगा, मतलब ये कितना लंबा ऐसे जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर प्लेस होल्डर आपका योर एड्रेस जो है। फिर रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड देंगे आप, मतलब कंपलसरी वो रिक्वायर्ड देगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा ऐसा, मतलब फॉर्म सबमिट में ही नहीं जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर सेलेक्ट टैग, मतलब ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सेलेक्ट टैग लेते हैं, मतलब ऐसा जो रहता है ना, ऐसे टाइप का रहता है, उसमें ऐसे एक एरो रहता है, ठीक है ना, तो ये वाला इसमें दिया है क्या, एग्जांपल नहीं दिया है, ठीक है,
तो ऐसा होता है, तो ये वाला एग्जाम्पल से आपको समझ जाएगा, नहीं तो भी एक नीचे एक एग्जाम्पल। हाँ ये देखो, ये देखो, ये ऐसा जो रहता है ना, एक मिनट, हाँ ये अंडू करता हूँ। ओके नहीं हो रहा है, ठीक है, आई विल इरेज दिस। हाँ देखो यहाँ पे जो ऐसे दिख रहा है ना, वो वाला बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना ऐसे एरो, और ये जो नीचे जाता है वो वाला मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट टैग में क्या फिर से नेम देंगे, मल्टीपल मतलब मल्टीपल आपको मोर देन वन वैल्यू उसमें चाहिए, जैसे आप पता है ड्रॉप डाउन उनके बाद क्या आता है, अभी पुणे पुणे बैंगलोर वगैरह वगैरह ऐसा आने के लिए। साइज़ मतलब साइज़ एट्रीब्यूट जो हम लोग नंबर ऑफ़ विजिबल वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए लेते हैं, वो मतलब कितने साइज़ करेगा वो टोटल वो। फिर सेलेक्टेड रहेगा मतलब जैसा पूना दिख रहा है ना इधर नीचे, पूना जैसा दिख रहा है इधर, ये जो है पूना में दिख रहा है, मतलब सेलेक्टेड में आपने पूने में सेलेक्टेड लिखा रहेगा, नहीं तो फर्स्ट वाला बाय डिफॉल्ट रहता है ऐसा, नहीं तो आपको दूसरा अगर करवाना है तो उसके आगे सेलेक्टेड करके दोगे तो वैसा हाईलाइटेड दिखेगा, ठीक है। तो सेलेक्टेड उससे लेते हैं, वैल्यू मतलब वो क्या क्या आपको वैल्यूज उसके अंदर चाहिए, पुणे बैंगलोर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे हम लोग करने वाले, यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, तो ये क्या है आपका फॉर्म विद इनपुट एलिमेंट्स, आपका टाइटल है, हेड वगैरह है, ठीक है। BG कलर ऑरेंज दिया है, देखो ये ऑरेंज वाला, ये वाला देखो यहाँ पे क्या है, एंटर नेम किया, फिर ये टेक्स्ट लिया, देखो यहाँ पे एंटर योर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, नाम दिया है, देखो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बाद में अगर इसको डायनेमिकली प्रोसेस करना रहेगा, ये तो एक आपका स्टैटिक वेब पेज के लिए आप लोग ये कोड लिख रहे हो, ठीक है। अगर इसको आपको जब भी डायनेमिकली करवाना रहेगा तो आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। फिर बाद में मैक्स लेंथ देखो 20 कैरेक्टर्स का ही नाम होना चाहिए, वो लेगा ऐसा। फिर स्टैंडर्ड एंटर करने के लिए आपको टाइप इज इक्वल टू रेडियो, देखो दो रेडियो बटन है, कोई भी एक सेलेक्ट होना चाहिए, उसके लिए क्या देखो ये एक इधर चेंज है, देखो ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिया ना, अपने नाम इधर एक ही लोगे और दूसरा भी जो रेडियो लेते हैं ना उधर भी नाम एक ही लेना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो बॉस, ठीक है, समझे ना। रेडियो अगर लेंगे उसको कॉमन अगर बनवाना रहेगा ना तो ऐसे ही करना पड़ता है, नाम सेम लेना पड़ता है, जो नेम है R1 दोनों सेम लेना पड़ेगा ताकि वो दोनों कॉमन में आ जाए, मतलब कोई भी एक ही सेलेक्ट होने के लिए वो हम लोग लेते हैं, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चेकबॉक्स में क्या है आप अलग अलग ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये है आपका 11 हुआ, फिर ये सुपर लिया, देखो 11 TH सुपर लिया, मैंने बताया था TH सुपर स्क्रिप्ट है ये, ताकि ये ऊपर ऊपर ऐसे दिख जाए TH करके, ठीक है। फिर ये हो गया चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये फिर BR, फिर अभी ये चेक बॉक्सेस, तो देखो चेक बॉक्सेस में देखो C1 C2 देखा ना, इसमें नेम चेंजेस है, और बाकी ये टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स लिया, इधर टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिया था, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू हिंदी लिया, मतलब वैल्यू मतलब जो इधर दिखने के लिए, जो इधर कैप्शन दिखना चाहिए वो, ठीक है, मतलब हिंदी है, फिर देखो यहाँ पे ये हिंदी दिख गया ये कैप्शन इसका, ठीक है। फिर बाद में चेक बॉक्स यहाँ पे देखो जर्मन जर्मन लिखा हमने, ठीक है। फिर बाद में बायोलॉजी बायोलॉजी लिखा हम लोगों ने, ठीक है। फिर चेकबॉक्स लेके फिर बाद में लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, सबमिट बटन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में फॉर्म भी क्लोज कर दिया, बॉडी भी क्लोज कर दिया, ठीक है। बॉडी के अंदर ही फॉर्म आता है, तो ऐसा ध्यान में रखो। फिर HTML हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज कर दिया इधर, ठीक है ना। तो ये सबमिट हो गया, एंटर नेम वगैरह हो गया, तो उस हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट अच्छे से है। अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो मुझे डेफिनेटली आप बताओ, मैं इसको अलग से प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। सो मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करने के लिए। फिर बाद में ये वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है, और वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। फॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक टाइप HTML टाइटल लिया, BG कलर लिया, टेक्स्ट रेड लिया, मतलब इसमें जो भी टेक्स्ट लिखावटी में है ना वो देखो, ये जो बैकग्राउंड है वो साइन कलर है, और ये जो टेक्स्ट का लिखावटी कलर है वो रेड है, देखते वही है क्या। हाँ देखो BG कलर इसने साइन लिया, टेक्स्ट लिया रेड, फिर H1 लिया यूज़ ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो H1 यूज़ ऑफ फॉर्म एलिमेंट, देखो H1 बड़े में दिख रहा है। अभी सिर्फ क्या चाहिए, एंटर योर नेम, फिर सेलेक्ट योर सिटी, ये क्या लिया है, टेक्स्ट एरिया लिया है, ये क्या लिया है, ये टेक्स्ट एरिया लिया है, और ये जो लिया है ये कॉम्बो बॉक्स मतलब एक यू कैन से ड्रॉप डाउन लिया है, और ये टेक्स्ट बॉक्स लिया है। तो देखो इसमें क्या लिया है, इनपुट देखो फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, देखा आपने, फिर data.php, यही है आपका डायनामिक प्रोसेसिंग, यही होता है डायनामिक प्रोसेसिंग एक्चुअली। जब आप एडवांस लेवल पे करते हो ना तभी ये PHP वगैरह आपको आता है, 12th में भी ये आपको है एडवांस में। तो मतलब कुछ भी आप करके उसका फीडबैक का आंसर दिलवाना है, दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करवाना है, या उसमें कुछ कैलकुलेटिव करके डेटाबेस में सेव करवाना है, या फिर उसको इनपुट उसका कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट दिलाना है, तो उसमें ये काम में आता है, ठीक है। फिर एंटर करो नाम, इनपुट टेक्स्ट, तो फिर नेम इसका ये जो नाम है उसका एक FN करके नाम दिया, फिर देखो यहाँ पे सिटी सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, सेलेक्ट योर सिटी,
ठीक है, सेलेक्ट योर सिटी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट योर सिटी करेंगे हम लोग। फिर देखो यहाँ पे सिटी कर दिया हमने सेलेक्ट, तो ये क्या है देखो, नाम क्या लिया हम लोगों ने, सिटी। ओके, फिर बाद में ये नाम ऐसे ले सकते हैं आप लोग, लेना ही रहता है आपको। फिर ऑप्शन क्या किया आपने, इधर पुणे दिया। देखो ऑप्शन लेना पड़ता है इसमें, हाँ इसमें क्या लेना पड़ता है, ऑप्शन लेना पड़ता है, ये ध्यान में रखो ज़रा। फिर ऑप्शन को ऐसे क्लोज करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन लिया सोलापुर नागपुर वगैरह, फिर सेलेक्ट आपने क्लोज कर दिया। फिर एड्रेस टेक्स्ट एरिया देखो, रोज कितना है 3, कॉलम्स कितना 30, देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे कॉलम्स का इतना वाइड रहेगा ये, और रोज मतलब 1, 2, 3 रोज हो गया ऐसा, ठीक है। तो प्लेस होल्डर इज इक्वल टू योर एड्रेस रिक्वायर्ड, तो ये ऐसे दिखाई देगा, इसमें दिखाई नहीं दिया, इधर ऐसे आपको दिखाई देना मांगता है, ठीक है। मतलब ऐसे दिखेगा आपको, ऐसा धुंधला जैसा, ये पुणे दिख रहा है ना धुंधला जैसा, वैसे पुणे तो दिख रहा है वैसे, मतलब डार्क जैसा, बट एकदम धुंधला दिखेगा कि एंटर योर योर एड्रेस करके, ठीक है ना, योर एड्रेस करके इधर ऐसा दिखेगा आपको। फिर सबमिट करके वैल्यू इज इक्वल टू सेंड, तो वैल्यू जो देगा आप देखो, जो कैप्शन अपीयर होने के लिए जो वैल्यू देते हैं वही वैल्यू है सेंड। फिर आपका फॉर्म क्लोज होता है, बॉडी टैग क्लोज होता है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो PHP यहाँ पे दिया है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो डेटा हम लोगों ने लिया है, तो ये PHP फाइल का है जो कि एक्सेप्टेड डेटा स्टोर करता है। देखिए मैंने बताया ना आपको, तो ये वही है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही आपका फॉर्म्स का यू कैन से ट्यूटोरियल था, ठीक है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस इफ यू एक्सपीरियंस सम, ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बिसाइड माय होम, सो बियर फॉर दैट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वॉन्ट दिस टाइप ऑफ वीडियोज ऑफ योर IT सब्जेक्ट और योर यू कैन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और IT सब्जेक्ट्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट्स ऑल ऑफ क्लास 11-12, देन डेफिनेटली लेट मी नो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक विथ योर फ्रेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। टिल देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर कमिंग विथ नेक्स्ट टॉपिक, ओके, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्टिंग यू कैन से, ठीक है, मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो हम लोग अगले इसमें आएंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।